हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं होम कमिंग चैप्टर के सेकंड पैराग्राफ का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। और फ्रेंड्स, अगर आप इसके फर्स्ट पैराग्राफ का भी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसमें हमने आपको इसका रेफरेंस भी बताया है, और क्योंकि रेफरेंस तो पूरे लेसन का एक ही होगा इसलिए हम यहाँ पर इसका अब कॉन्टेक्स्ट देखने वाले हैं। लेकिन अब कॉन्टेक्स्ट देखने से पहले हम इस पूरे पैसेज को एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो इसके पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें फटिक चक्रवर्ती नाम का एक लड़का है जो बहुत ही ज़्यादा बदमाश है। वो एक नदी के किनारे एक लट्ठा पड़ा हुआ था जिसको वहाँ से लुढ़काना चाहता था, अपने सभी फ्रेंड्स को साथ में लेके उसे लुढ़काना चाहता था। लेकिन तभी क्या हुआ कि माखन आकर उसी लट्ठे पर बैठ गया। माखन जो फटिक का भाई था उस लट्ठे पर आकर बैठ गया और खेल को बिगाड़ दिया। और इसके बाद फटिक ने माखन को धमकी दिया था कि अगर तुम इसी पल लट्ठे पर से नहीं उतरे तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। तो इसके बाद से यहाँ पे लिया गया है कि नाउ इफ फटिक वॉज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, यानी कि अब यदि फटिक को जनता के सामने अपने सम्मान को बनाए रखना था, इट वॉज क्लियर, तो यह स्पष्ट था, ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, कि उसे अपनी धमकी को पूरा करना पड़ता। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन इस संकट के समय में उसका साहस फेल हो गया, असफल हो गया, अर्थात उसे साहस नहीं थी उसे मारने की। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउ एवर रैपिडली सीज्ड अपॉन ए न्यू मैनोवियर, यानी कि उसके खुराफाती दिमाग में एक और बदमाशी आई, एक और चाल आई, विच वुड डिसकम्फर्ट हिज ब्रदर, जो उसके भाई को हरा सकती थी, यानी कि परेशान कर देती, एंड अफोर्ड डिसकम्फर्ट का मतलब परेशान कर देती, एंड अफोर्ड हिज फॉलोवर्स एंड एडेड अम्यूजमेंट, और उसके साथियों को थोड़ा मनोरंजन भी मिल जाता। तो ये आइडिया उसके मन में आया। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर, और फटिक ने माखन के साथ साथ उस लट्ठे को लुढ़काने का आदेश दे दिया। माखन हर्ड द ऑर्डर, और माखन ने आदेश सुना भी, एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, और उसे अपनी इज्जत की बात बना लिया और उस पर डटा रहा। बट ही ओवर लुक्ड द फैक्ट, लेकिन उसने इस बात को अनदेखा किया, लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स, उन लोगों की तरह जो नाम कमाने के लिए ऐसे रिस्क उठा लेते हैं, दैट देयर वॉज पेरिल इन इट। बट ही ओवर लुक्ड द फैक्ट, लेकिन उसने इस बात को अनदेखा किया, दैट देयर वॉज पेरिल इन इट, कि इस बात में खतरा है। तो ये था हमारा पैसेज फ्रेंड्स, और इसी का हमें कॉन्टेक्स्ट लिखना है, अर्थात इस पूरे पैसेज में अगर देखा जाए तो फटिक और उसके भाई, इन दोनों की बदमाशी के बारे में बताया गया, दोनों अपनी अपनी बदमाशी दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ हम इसके कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स फटिक एंड हिज ब्रदर, और यहाँ पे कॉमा लगा के माखन भी लिख सकते हैं, उसके भाई का नाम क्या था, माखन था। तो इन दीज लाइन्स फटिक एंड हिज ब्रदर माखन, इन पंक्तियों में फटिक और उसका भाई माखन दोनों ने दिखाई है दियर मिसीवियसनेस, अपनी अपनी बदमाशियाँ दिखाई है, शोन दियर mischievousness। तो इस प्रकार से हम इसका कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि इन दीज लाइन्स फटिक एंड हिज ब्रदर माखन बोथ हैव शोन दियर mischievousness, इन पंक्तियों में फटिक और उसके भाई माखन दोनों ने अपनी बदमाशियां दिखाई है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए हम इसके फर्स्ट लाइन को देखेंगे, तो इसमें क्या बताया गया है कि यदि फटिक को जनता के सामने अपनी शान को बनाए रखना था तो उसे अपनी धमकी को पूरा करना चाहिए था। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब फटिक के लिए यह आवश्यक हो गया था, यानी कि नाउ इट हैड बिकम कंपल्सरी, क्या हो गया था, कंपल्सरी, Now it had become compulsory, अब यह आवश्यक हो गया था for Fatik के लिए अब यह आवश्यक हो गया था to keep his word, यानी कि अपना वादा निभाना, अब Fatik के लिए अपना वादा निभाना compulsory हो गया था अगर उसे अपने शान को public के सामने बनाए रखना था। If, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि if he
if he wanted to maintain his dignity, यहाँ पे हम dignity word का यूज कर सकते हैं. If he wanted to maintain his dignity, यदि उसे अपने शान को बनाए रखना था before his followers भी हम यहाँ पे कर सकते हैं. Before his followers, जो भी उसके follower थे. तो ये first sentence हमने यहाँ पे explain किया कि now it had become compulsory for Fatik. अब फटिक के लिए आवश्यक हो गया था टू कीप हिज वर्ड, कि वह अपने बात को पूरा करे. इफ ही वॉन्टेड टू मेंटेन हिज डिग्निटी बिफोर हिज फॉलोअर्स, यदि वह अपने साथियों के सामने अपने शान को बनाए रखना चाहता था तो यह आवश्यक हो गया था कि वह अपने बात को पूरा करे. तो फ्रेंड्स, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा. अब आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम इसके आगे देखते हैं. तो फ्रेंड्स, इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि लेकिन उसका जो साहस था वो असफल हो गया, अर्थात उसके पास साहस नहीं थी उसे पीटने की. तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बट ही हैड नो करेज, लेकिन उसके पास साहस नहीं था. बट ही हैड नो करेज टू डू सो, या फिर यहाँ पे कर सकते हैं टू बीट माखन. बट ही हैड नो करेज टू बीट माखन, लेकिन उसे माखन को मारने की हिम्मत नहीं थी, मारने का साहस भी नहीं था. अब इसके बाद कहा गया कि उसके दिमाग में एक नई चाल आई. तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फटिक वॉन्टेड टू टीच माखन अ लेसन, अर्थात फटिक माखन को मजा चखाना चाहता था. इसके आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंड सून ही हैड एन आइडिया, और शीघ्र ही उसके मन में एक विचार आया. एंड सून ही हैड एन आइडिया, शीघ्र ही उसके मन में एक विचार आया. दैट कैन डिफीट माखन, जो माखन को हरा भी सकता था. दैट कैन डिफीट माखन, जो माखन को हरा भी सकता था. And give pleasure to his friends, और उसके friends को आनंद भी दे सकता था. And give pleasure to his friends. तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है पैसेज में. अब इसके बाद कहा गया कि उसने अपने साथियों को आदेश दे दिया माखन के साथ साथ उस लट्ठे को लुढ़काने का. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फटिक ऑर्डर्ड टू रोल, लुढ़काने का आदेश दिया. टू रोल द लॉग अलोंग विद माखन, यानी कि माखन के साथ साथ उस लट्ठे को लुढ़काने का आदेश दे दिया. अब इसके बाद कहा गया कि माखन ने उसके इस आदेश को सुना, लेकिन फिर भी उसने इसे इग्नोर कर दिया. तो फ्रेंड्स, पहले हम इतना एक बार फिर से समझ लेते हैं और इसके बाद हम इसके आगे देखेंगे. तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि बट ही हैड नो करेज टू बीट माखन, लेकिन उसे माखन को पीटने का साहस नहीं था. फटिक वॉन्टेड टू टीच माखन अ लेसन, यानी कि फटिक माखन को मजा चखाना चाहता था. एंड सून ही हैड एन आइडिया, और शीघ्र ही उसके मन में एक विचार आया. दैट कैन, यहाँ पे कुड कर देंगे, दैट कुड, क्योंकि पास्ट में ये सेंटेंस हमारा, तो दैट कुड डिफीट माखन, जो माखन को हरा भी सकती थी. एंड गिव प्लेजर टू हिज फ्रेंड्स, और उसके मित्रों को, उसके फ्रेंड्स को, और आनंद भी दे सकती थी. फटिक ऑर्डर टू रोल द लॉग एलोंग विद माखन, यानी कि फटिक ने माखन के साथ साथ उस लट्ठे को लुढ़काने का आदेश दे दिया. आई होप आपको इतना समझ में आया. अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद देखते हैं इसके आगे. तो फ्रेंड्स, इसके आगे अगर देखा जाए तो इसमें माखन ने फटिक का ये ऑर्डर सुना. जब फटिक ने आदेश दिया लट्ठे को लुढ़काने का, तो उसने ये आदेश सुना, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया.
तो ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने यह आदेश सुना, माखन ने यह आदेश सुना बट ही ओवरलुक्ड, या फिर अवॉइड कर सकते हैं उसे, अनदेखा किया, या फिर हम ओवरलुक्ड कर सकते हैं, बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, लेकिन उसने इस बात को अनदेखा किया, दैट देयर वॉज रिस्क। अब इसमें पेरिल आया हुआ है खतरे के लिए, तो खतरे के स्थान पर यहाँ पे हम रिस्क कर सकते हैं, देयर वॉज रिस्क इन इट, यानी कि इस बात में खतरा है, देयर वॉज रिस्क इन इट। और यहाँ पे हम आगे और भी बढ़ा सकते हैं, एंड ही स्टक, यानी कि वो डटा रहा, एंड ही स्टक टू हिज डिसीजन, और वह अपने निर्णय पर डटा रहा कि वह उस लट्ठे से नहीं उतरेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम इस पैसेज का कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आसानी से लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।